दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जमुनानगर स्थित तीर्थ कपाल मोचन में रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 12 लाख से भी अधिक सिख श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक एवं पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई और सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार देश के कई राज्यों से जहां पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने दिए जलाए और दिए दान भी किए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब और गाय बच्छा घाट मंदिर में पूरी श्रद्धा भाव से माथा भी टेका। इस साल जिला प्रशासन द्वारा मेला परिसर में पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी, जिसे अधिकारी पर्यावरण के संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। 12 लाख से अधिक लोग यहां पर आए हैं और अभी स्नान कर रहे हैं। अभी 12 बजे हैं तो तीनों सरोवरों में स्नान करके लोग बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए थे। प्रशासन ने पॉलिथीन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करने दिया, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और हमारे सभी ऑफिसर्स ने जो मेला एडमिनिस्ट्रेटर हैं SDM साहब और हमारे दूसरे SDM जगाधरी SC साहब सब हर एक डिपार्टमेंट ने बड़ी तत्परता से बड़े कठिन मेहनत करके और पूरे मेले को सक्सेसफुल किया है। जमुनानगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा TV।